देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फी रेगुलेटरी बिल लेके आई थी उसके तहत एक कमेटी का जिलेवार चयन होना था और डीएम के अध्यक्षता में वो कमेटी बननी थी और वो कमेटी कल यहाँ पर बनाई गई। उस कमेटी को लेकर हम लोगों को की कुछ ऑब्जेक्शंस थे, उसके लिए हमने आज यहाँ पर प्रेस बुलाई थी। तो सर किस तरह के ऑब्जेक्शन थे, क्या ये कमेटी किस तरह से काम? देखिए, ये कमेटी जो डीएम इसको हेड करेंगे और इसके 6 लोग और मेंबर होंगे और उसमें जो कुछ लोग मेंबर बनाए उन पर हमें ऑब्जेक्शन है। जैसे कि जो पीटीए के मेंबर जो रखे गए हैं उस पर हमें नहीं लगता कि वो ठीक लिया गया है, क्योंकि वो उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं या बहुत पहले पढ़ते थे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें रखे गए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली के रहने वाले हैं तो क्या इस जिले के नहीं होने चाहिए थे, और जो प्रिंसिपल रखी गई हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल स्कूल की प्रिंसिपल हैं तो उन पर भी हमें ऑब्जेक्शन है। तो क्या जब ये कमेटी गठित की गई थी क्या आप सब लोगों से राय ली गई थी या बिना राय के अपने आप ही हो गए? हमसे कोई राय इस बारे में नहीं ली गई और उम्मीद हम लोग ये करते थे कि हम लोग जो है हमसे पूछा जाएगा, और हमसे नहीं पूछा जाएगा तो अखबार में एक विज्ञापन के तहत डीएम साहब ओपनली पूछेंगे भाई कौन लोग इस कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो सरकार की मंशा थी वो उसको ना इस कमेटी से जो है दबा दिया गया, उसको धूमिल कर दिया गया। तो अब आप इसका विरोध कर रहे हैं इस कमेटी का, तो कहीं ना कहीं अब जब विरोध अगर होता नजर नहीं आएगा तो आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, सिस्टम है कि डीएम साहब से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद डिप्टी सीएम क्योंकि खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं और पहले उनसे हम लोग मिल चुके हैं, बात भी इस बारे में हो चुकी है, तो हम उनसे कहेंगे कि साहब इसमें हमें ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद यदि बात नहीं मानेगी कि तो लोकतांत्रिक तरीका हम लोग सड़कों पे होंगे और क्या। ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई थी जो कल डीएम साहब ने कमेटी गठित की है उसका विरोध जताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्योंकि हमें उससे आपत्ति है। उसमें जो कमेटी में जो मेंबर हैं पीटीए के मेंबर हैं प्रशांत सिंह जी हैं और प्लस एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं प्रिंसिपल हैं, वो सब हमें आपत्ति है उस कमेटी में। किस चीज़ को लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, पहली बात तो पीटीए का जो है गठन हुआ है वो पीटीए के लिए हमसे पूछा नहीं गया। आप पहले देखेंगे अपने अखबारों में भी डीएम साहब ने एक निकाला था कि इस कमेटी में जो है अभिभावक संघ का प्रतिनिधि शामिल होगा, उसके बावजूद भी हमसे ना तो राय ली गई, सिर्फ हमसे नाम मांगा गया था, डीओएस ने नाम मांगा था, हमने नाम दे दिया, उस नाम पे चर्चा भी नहीं हुई, हमसे बुला के पूछा भी नहीं गया और सडनली उन्होंने कमेटी बना दी। तो जिन लोगों को कमेटी द्वारा चुना गया है, जिनको जो इससे प्रतिनिधि है, क्या आप मानते हैं वो इसके लायक है या? देखिए, अभी लायक हो ना लायक हो तो हम कमेंट नहीं कर सकते, बस ये कि हमें तो ये डाउट हो रहा है कि क्या पीटीएम उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे नोएडा में जितने स्कूल हैं उनके पीटीए के मेंबर वो हैं जिनके बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं, उनके कुछ स्कूलों में तो ऐसे हैं जो उनके पोते भी आ गए हैं, उनको भी कमेटी में रखा, अभी भी पीटीएम बना के रखा हुआ है। तो अब आप विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध द्वारा अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या आगे? देखिए, अगर अगला हमारा स्टेप ये होगा, पहले हम डीएम साहब कमेटी जो हेड करते हैं उनसे मिलेंगे, वहां से नहीं सुनवाई होगी फिर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के पास जाएंगे, नहीं होगा तो फिर लास्ट तो जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया हम सड़क पर उतरेंगे।